कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल सब बढ़िया होगा। वैसे आज मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग जो है ना कुछ बेहतर बेहतर क्वेश्चन करने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोग कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिए हैं, बस 2 मिनट के अंदर उसको रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो ये प्यारा सा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म ax2 + bx + c = 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड है। हाँ जी, जिसमें से पहला मेथड जो हम लोग पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बोलिएगा, मेरे साथ दोहराओ, याद होगा। पहला मेथड का क्या नाम है? फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ भैया, ये तो हमको समझ में आता है और सबसे बेहतर और आसान मेथड यही लगता है आपको, जैसा मुझे लगता है। हाँ जी, अगर इन सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो सेकेंड मेथड है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो कि अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आने लगा है और बेहतर तरीके से समझ चुके हो आप इसको, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पहले स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशान किया। हाँ जी, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड नाक में दम करके रख दिया था आपका, लेकिन अब लगता है ना पट गाड़ी जो है अब पटरी पर चलने लगी है। पहले गाड़ी पटरी पर नहीं चल रही थी, सड़क पर चल रही थी, जो बहुत तकलीफ हो रहा था आपको इसको सॉल्व करने में, लेकिन नहीं, अब आपको तकलीफ नहीं हो रहा। आगे परफेक्ट स्क्वायर के बाद पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिए थे। मतलब हम लोग फॉर्मूले का, हाँ जी, फॉर्मूला का प्रयोग करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे, बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन फॉर्मूले में आपको कुछ ध्यान में रखना होता है, एक प्यारा सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है x = हम सब जानते हैं क्या होता है, -b + √(b²-4ac)/2a। और इसमें इस फॉर्मूले में जो ये मेरा b²-4ac है ना, इसका हम लोग नामांकन किए थे। कौन नामांकन किए थे? आपके प्यारे भैया अर्थात श्री श्री 108 भैया जी महाराज इसका नामांकन किए थे, और इसका नामांकन करके एक प्यारा सा नाम दिए थे इसको, वो नाम था डिस्क्रिमिनेंट। बोलिएगा मेरे साथ, और आपको आसानी से समझ में आए इसलिए इसका एक शॉर्ट नाम भी रखे थे, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अर्थात d = b²-4ac आराम से हम लोग बोल सकते हैं। इस d के लिए हम लोग यहाँ पर 3 कंडीशन देखे थे। भैया 3 कंडीशन कौन कौन बता दिए, हम तो भूल गए। कोई नहीं, रिवीजन आपका हो रहा है, आप फटाफट उसको याद कर लोगे। यहाँ पर d के लिए हम लोग के पास 3 कंडीशन था, फटाफट से तीनों कंडीशन आपको समझ लेना है। पहला कंडीशन था जब d मेरा 0 से, d का जो वैल्यू आता था वो 0 से ग्रेटर आता था, उस कंडीशन में हम लोग पहले बोल देते थे ओए डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका जो रूट्स होने वाला है ना वो रूट्स इसका डिफरेंट रियल रूट्स होने वाला। हाँ जी, हम लोग पहले ये बात बोलते थे, अर्थात जैसे ही डी ग्रेटर देन मतलब जैसे ही डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, हम पहले बोल देंगे हाँ जी हम अंतर्यामी हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो इसका रूट्स निकलेगा वो रियल रूट्स निकलने वाला, लेकिन डिफरेंट निकलेगा, मतलब रूट्स जो है आपका रियल निकलने वाला, रियल एंड डिफरेंट निकलने वाला। हम रूट्स की बात कर रहे हैं और रूट्स मतलब जीरोज, हम लिख देते हैं रूट्स मतलब जीरोज, आप जीरोज रूट्स को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, बिकॉज हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर एकदम बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए हम लोग को। डी ग्रेटर देन 0 ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन, अगर डी का वैल्यू =0 आ जाएगा उस कंडीशन में हम बोलेंगे डी का वैल्यू 0 के बराबर है, अब क्या करना होगा, हम तो अंतर्यामी हैं, हम पहले समझ लेंगे कि इसका जो रूट्स होने वाला वो रियल रूट्स होने वाला, और बट यहाँ पर दोनों रूट्स सेम होने वाला, डिफरेंट नहीं होने वाला, दोनों रूट्स क्या होने वाला, सेम होने वाला, ये हम लोग जानते हैं। अगेन एक तीसरा कंडीशन, एक बहुत ही प्यारा सा कंडीशन है, वो तीसरा कंडीशन क्या है, जब डी का वैल्यू =0 होगा उस कंडीशन में क्या है आपको पता होगा, बताइए, जब डी का वैल्यू =0 होगा तो आप क्या बोलोगे, भैया डी का वैल्यू यहाँ पर =0 है, अर्थात यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, नॉन रियल बोल सकते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो रूट्स निकलने वाला वो इमेजिनरी निकलने वाला, भैया ये तो हमका पता है, बस इमेजिनरी बोलना है, बस काम खत्म, ठीक है, वो डिफरेंट ही होगा, अर्थात यहाँ पर 2 इमेजिनरी रूट्स निकलने वाला, सब में 2 ही रूट्स निकलेगा, हम लिखा देते तो 2 रियल रूट्स, हम 2 लिख देते, वरना आप बोलोगे भैया कितने रूट्स निकलने वाले, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, रूट्स तो 2 ही निकलेगा,
ठीक है, रूट्स कितने निकलने वाले, दो निकलने वाले, भले ही दोनों रूट्स सेम क्यों ना निकल जाए लेकिन दो ही निकलने वाला, यहां तक हम लोग बेहतर तरीके से पढ़े थे। और इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन भी लगाए थे हमारे एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा गया था, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी सब्र रखो ना, बहुत सारा क्वेश्चन लगाने वाले। लेकिन उससे पहले इसको आप अपने फॉर्मूला वाले नोटबुक में जल्दी से, अगर नहीं लिखे हो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैंने कहा है ना कि कम से कम अपने फॉर्मूला वाले कॉपी में सब कुछ नोट डाउन करते चलो, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी से, हाँ जी सिर्फ फॉर्मूला कॉपी, अच्छे से हर एक चैप्टर का क्लियर कर लोगे सिर्फ उसी से आपको 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे, तो क्यों आप घबरा रहे हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आएगा, यह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, तो कितना इसका गुण है। और इसी को आप इग्नोर करके चलते हो, ये सही बात नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर मत करो फॉर्मूला वाले कॉपी को, बहुत बहुत काम देने वाला, मैं अभी ही बता देता हूँ आपको। बस आप फॉर्मूला वाले कॉपी पर हर दिन जो है मात्र 10 से 15 मिनट वर्क करो, वो 10 से 15 मिनट आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आप अपने भैया की बात को मानो, ओके ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये सब तो जान लिए लोग, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 3 हो सकता है 5 मिनट हो गया होगा, हम लोग टोटल रिविजन कर लिए जितना हम लोग अभी तक में पढ़े थे, एकदम बेहतर तरीके से रिविजन किए। और हम लोग आगे पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओगे आज दिनांक कौन सा है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया आज 28 सितंबर है। आखिर आप दिनांक क्यों बार बार याद दिला रहे हैं, दिनांक इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है ना इस महीने के अंत तक में कोशिश कर रहे हैं, अभी तो आपका कितना लेक्चर हुआ है आई डोंट नो, लेकिन उसको 30 लेक्चर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, आपको पढ़ करके 30 लेक्चर कन्वर्ट करना है, और हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे 30 लेक्चर जो है आपका कंप्लीट हो जाए। अगेन यहाँ ध्यान दो, अब 28 सितंबर की बात किए ही हैं तो इसके बारे में कुछ जान भी लो, ठीक है। 28 सितंबर की बात करेंगे ना, इससे रिलेटेड काफी कुछ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज किसी खास का बर्थडे है। तो आप बोलोगे भैया किसका हो सकता है बर्थडे, हमार तो ना है, हमारा बर्थडे मतलब आपका बर्थडे तो ना है, ना ही मेरा बर्थडे है, ना तो आपकी बहन का बर्थडे है, ना ही तो किसका बर्थडे है आज। आज उनका बर्थडे है जो हमारे भारत माँ को, हाँ जी हमारी भारत माँ को आजाद दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दिए थे। जानते हैं उनके बारे में, बिल्कुल जानते होंगे। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, हाँ जी आज किसका जन्मदिन है, भगत सिंह का जन्मदिन है। आज के दिन ही 28 सितंबर को ही भगत सिंह जो हमारे धरती माँ के सपूत है वो यहाँ अवतरित हुए थे, यहाँ पर जन्म लिए थे हमारे भारत देश में, ठीक है। कब जन्म हुआ था इनका, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ओके। अगेन 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 दूजा चीज जो आपको ध्यान में रखना है 28 सितंबर को लेकर के, वो दूजा चीज ये है कि जो आप गूगल पे सर्च करते हो ना, हेलो गूगल प्लीज कॉल मी माई छोटका ब्रदर, ये जो आप गूगल पे सर्च करते हो ना, आज गूगल का स्थापना दिवस है, गूगल का स्थापना दिवस है आज, अच्छा हाँ जी ये ध्यान में रखना है, आज गूगल का स्थापना दिवस है। और गूगल का स्थापना कब हुआ था, तो तुरंत बोलोगे भैया गूगल का स्थापना 28 सितंबर 1998 ईस्वी में हुआ था, अच्छा बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज और ध्यान में रख लो, क्या आप रेबीज के बारे में कुछ जानते हो, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, हाँ जी एक बार किसी व्यक्ति को कभी आपके पीछे कुत्ता पड़ा है क्या, मेरे पीछे तो पड़ा है, मैं तो काफी डर गया था, हाँ जी बचपन की वो बातें याद आती है ना क्या ही कहूँ, एक कुत्ता चले दो, अगर कोई कुत्ता जो है किसी को काट ले और वो डर के मारे घर में ना बताए ना, अगर उसको रेबीज बीमारी हो गया, ना बताया तो रेबीज बीमारी होएगा ही होएगा, क्योंकि कुत्ते के काटने से ये खतरनाक रेबीज बीमारी होता है, ये ध्यान में रखना। अगर रेबीज बीमारी हो गया इतना समझ लेना उसका मौत निश्चित है, इसलिए जब भी ध्यान में रखना, जब भी कुत्ता काटे ना तो घर में आके बताइए, और 14 सुइया लगाना है आपको, जैसा कि पता नहीं कितना सुइया लगता है लेकिन सुनने में आता है 14 सुइया तो लग ही जाता है, तो लगवा लेना, कष्ट झेल लेना, लेकिन ये रेबीज बीमारी होने से पहले आपको इंजेक्शन लगवा लेना है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। रेबीज बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होता है, तरफ तरफ की मृत्यु होता है इसमें, मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस ये जागरूक करने के लिए कि हाँ रेबीज बीमारी नाम का एक खतरनाक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होता है, लोगों के बीच में ये जागरूक करने के लिए विश्व भर में 28 सितंबर के दिन ही ये दिवस मनाया जाने लगा, विश्व रेबीज दिवस। तो ध्यान में रखना है आज के दिन कौन सा दिवस है, विश्व रेबीज दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल रेबीज डे, रेबीज बीमारी का नाम है। ये कब मनाया जाता है, ये आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है, कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछ लेना है आपको। मेरे ख्याल से आप सब बातें समझ रहे होंगे, हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें ना करेंगे और बस आपको ये बोलेंगे
कि हम लोग के पास 28, 29, 30 ये कौन सा मंथ चल रहा भैया, जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन का शायद चल रहा, हाँ जी। तो 30 दिन में मतलब मेरे पास 2 दिन का समय और बचा है और सिर्फ एक लेक्चर पढ़ाना है शायद, हाँ आराम से उसे ज्यादा ही हो जाएगा, परेशान मत हो, बस आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मेरी तरफ से 30 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा भी कर देंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 दिन के अंदर 30 लेक्चर तक पहुंच जाना है। तो कंप्लीट कर लियो 30 लेक्चर तक, ठीक है। 30 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर क्या, फिर एक नया टारगेट फिक्स किया जाएगा कि हाँ यहाँ तक, इतने दिन में यहाँ तक कंप्लीट करना है। और एक बात, आप जो है ना 7 क्वेश्चन जो बना रहे हो ना, जिसमें 4 क्वेश्चन पीछे से बनाते हो प्लस जब 3 क्वेश्चन बनाते हो, कोशिश करना है आज के बाद से जितना हम लोग लैंग्वेज वाला सवाल पढ़े हैं, जितना भी लैंग्वेज वाले सवाल को पढ़े हैं ना, उस 3 क्वेश्चन में से उसी लैंग्वेज वाले सवाल में से बनाएंगे, क्योंकि वही आपको तकलीफ दे सकता है, जैसा मेरा मानना है। क्यों ना हम उसी को 3-3 क्वेश्चन बनाकर उसमें जो तकलीफ ज्यादा देगा आपको, उसको आपको बनाना है और उसको क्लियर कर लेंगे ना एक बार, फिर कोई समस्या नहीं होगा आपको भी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ सामने में आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज के दिन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले काफी कुछ सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवीजन कर लिए, उसके बाद हम लोग ये जान लिए कि 28 सितंबर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज भगत सिंह का बर्थडे। हाँ जी, चलो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, और एक बात ध्यान में रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बनाने का तरीका क्या रखोगे, कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, मेरे तरह जब हम पहले क्लास 10th में पढ़ा करते थे ना, तो जब भी लैंग्वेज वाले सवाल को देखे ना, तो पहले अंदर से घबरा नहीं बोलते, घबरा जाते थे, जैसे ही घबरा गए तो वहीं पर खत्म, क्वेश्चन नहीं बनेगा, घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को लिख लो, बड़े आराम से लिख लो, क्वेश्चन लिखने के बाद 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझ में ना आएगा तो आगे बढ़ जाना, जब मेरे मतलब जब हम आपकी जगह पर रहेंगे, छोड़ो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन पर ट्राई करना। लेकिन हाँ, जरूर मैं ये जरूर कोशिश करना है क्वेश्चन को उतार करके एक बार जरूर पढ़े, जरूर पढ़ने के बाद ये जरूर करें कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना, उसको लिख ले बस, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है छोड़ देना है, लेकिन उतना जरूर लिखना है आपको कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे लिख सको, और क्या फाइंड करना है इतना जरूर लिख लेना है, वही आपके लिए, इतना ही कर लोगे ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लो और क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये विचार करोगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के पहले विचार करो इस पे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से आप विचार कर लिए होगे, इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे और पहले ये विचार कर लिए होगे आप क्या दिया हुआ है। अब हम भी तनिक पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या। तो यहाँ एक फ्लाइट की बात की जा रही है, ठीक है, जो फ्लाइट जो है 600 किलोमीटर उड़ती है, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। अच्छा, जब खराब मौसम होता वो अपने फ्लाइट को स्लो कर लेता। हाँ जी, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझिएगा, समझना है, हवाई जहाज तो बनाने हमका ना आवत है, तो हम सीधा फ्लाइट लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, फ्लाइट लिख दिए, समझ लेना आप, अगेन ये समझिएगा, कोई फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब हुआ जो एरोप्लेन है ना, वो उसका फ्लाइट एक हाँ यहाँ से एक सेम डायरेक्शन, मतलब एक जगह है जहां तक पहुंचने, मतलब जहां तक का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, वहां तक इसको पहुंचना है, ठीक है। अब इस फ्लाइट के दौरान जो है अगर खराब मौसम हो जाता तो इसका जो स्पीड है वो रेड्यूस्ड हो जाता है। जब इसका स्पीड रेड्यूस हो, समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझना है, मेरा यहाँ पहला कंडीशन दिया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको यह समझना है यहाँ पर कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक पहला कंडीशन है जब खराब मौसम ना हो, एकदम गुड वेदर हो, पूरा अच्छा मौसम हो, उस कंडीशन में आपको समझना होगा क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। एंड सेकेंड कंडीशन आपको ये देखना है जब बैड वेदर होगा, खराब मौसम होगा, उस कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है उसको समझ लेना है, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है कि गुड वेदर में, समझिएगा, आपके सामने हम 2 कंडीशन रखते हैं, दोनों कंडीशन को ध्यान से समझना और ये पता करना कि हाँ हमारे पास क्या मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है। तो पहला कंडीशन आपके पास इस क्वेश्चन के अनुसार, आप ये कोशिश करोगे ढूंढने का, हाँ जी इसमें अगर मेरा मौसम सही रहेगा, अगर गुड वेदर रहेगा, उस कंडीशन में फ्लाइट के लिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा, इसको पहले पता करने का आप प्रयास करोगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे पहला कंडीशन में कि हम लोग का पहला कंडीशन है, इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन गुड वेदर फॉर फ्लाइट इन फर्स्ट कंडीशन, ये लिखना है, लिखो वरना नहीं लिखो नहीं चलेगा, हम लिख देते हैं पहला कंडीशन, जब जो है फ्लाइट के लिए सही मौसम होगा, उस कंडीशन में हमको जो है, समझिएगा, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, टोटल डिस्टेंस क्या है,
हाँ जी, टोटल डिस्टेंस आप बताओगे क्वेश्चन को पढ़ के, अगर फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके साथ ही पढ़ेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या होगा ये डिस्टेंस टोटल बताना है आपको, अगेन स्पीड क्या होगा, फ्लाइट का स्पीड क्या होगा वो बताना होगा, डिस्टेंस क्या होगा वो बताना होगा, एंड टाइम क्या होगा वो टाइम बताना होगा, इसका पहले पता करेंगे हम लोग। तो पता कर लेते हैं इसमें कौन सी समस्या है, फटाफट पहले स्पीड देखेंगे। हाँ जी, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, डिस्टेंस तो है मेरा 600 किलोमीटर, कहीं कोई समस्या ना। उसके बाद दिया हुआ एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, मतलब बैड वेदर है ना, खराब मौसम वाला अलग कंडीशन चलेगा, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ खराब मौसम का कंडीशन दिया हुआ है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है अगर खराब मौसम होता है तो। हम लोग सेकंड कंडीशन भी लिख लेते हैं, अगर बैड वेदर, मतलब जब बैड मौसम होगा, बैड वेदर होगा, उस कंडीशन में क्या ही स्पीड होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या टाइम होगा, ये भी आपको लिख लेना है। एंड सेकंड कंडीशन भी हम लोग साथ में लिखेंगे, ध्यान से समझोगे मेरे बातों को, ध्यान से समझोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी कंडीशन वाला सवाल रहेगा हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पहला कंडीशन है जब गुड वेदर होगा तो क्या करना है, एंड सेकंड कंडीशन है जब बैड वेदर होगा तो क्या करना है, इसको समझते चलना है। जब बैड वेदर होगा तो उस कंडीशन में, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है, इस तीन चीज को निकाल लोगे ना, ये क्वेश्चन उसी वक्त बन जाएगा आपका। सेम यही सवाल यहां पर भी, ट्रेन के लिए भी दो कंडीशन होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कंडीशन वाला सवाल है या फिर नहीं है, आप तुरंत समझ जाओगे अगर ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ोगे तो। और मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो कंडीशन वाला रहता ही रहता है आपके एग्जाम में, वैसे ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दोगे। मेरा पहला कंडीशन देखते, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस दिया हुआ था, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, मतलब खराब मौसम के कारण अब फ्लाइट को क्या किया गया, स्लो कर दिया गया, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, अब जो स्पीड है उसका, स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस्ड कर दिया गया, कम कर दिया गया, अर्थात पहले स्पीड कितना था हमको नहीं पता, हम स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। लो यहाँ पर मान लिया, लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, जब मेरा मौसम खराब हुआ तो जो भी पहले स्पीड था उससे 200 किलोमीटर पर स्पीड जो है वो कम कर दिया गया, पहले x था, अब x से जो है 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, बहुत अच्छे। फिर बोला गया एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 किलोमीटर, जो पहले टाइम लग रहा था उससे अब जो है मेरा 30 किलोमीटर ज्यादा टाइम लगने लगा। अब तुरंत बोलोगे भैया 30 किलोमीटर ज्यादा टाइम लगने लगा, हाँ जी। अब देखते हैं इस कंडीशन का टाइम निकालोगे, काम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, हमको 600 किलोमीटर ही जाना है, सिर्फ जो है हम लोग जो स्पीड है वो स्पीड कम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्पीड कम कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीड x था, यहाँ पर स्पीड हम x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर सिर्फ कम कर दिए, बाकी सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है लेकिन टाइम अलग हो गया। अब टाइम के बारे में क्या फंडा है उसको समझना है और उस पर एक इक्वेशन लिख करके आराम से सॉल्व कर देना है। तो इसको बनाते हैं, सेम यही चीज यहाँ पर लिखना है बनाते समय, तो लिखो यहाँ इन फर्स्ट कंडीशन, एक बार फिर से लिखेंगे आपके सामने तो आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से देखोगे और समझ जाओगे। इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन गुड वेदर, ध्यान से समझो और मन में इसको दोहराओ तो अच्छे ढंग से आप समझोगे, गुड वेदर फॉर फ्लाइट, अगर सही मौसम रहेगा उस कंडीशन में स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और टाइम क्या होगा, इसको लिखना है, ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन देखते, सेकंड कंडीशन क्या है इसको देख लेते, सेकंड कंडीशन है आपका, इन सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ वो देखो, व्हेन सेकंड कंडीशन दिया हुआ बैड वेदर, फॉर फ्लाइट, अगर खराब मौसम हो जाएगा उस कंडीशन में क्या ही है, मेरा स्पीड क्या होगा वो देखना है, मेरा डिस्टेंस क्या होगा वो देखना है, आगे मेरा टाइम क्या होगा इसको देख लेना है, बस काम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो पहला कंडीशन जब सही मौसम रहेगा उस कंडीशन में स्पीड हमको नहीं पता था तो हम स्पीड को मान लेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मेरा दोनों के लिए सेम है 600 किलोमीटर, सिर्फ स्पीड में चेंज किया गया था, एक फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सिर्फ आपका स्पीड चेंज किया गया था, बाकी सब कुछ सेम था, अर्थात यहाँ डिस्टेंस आपका 600 किलोमीटर होगा, यहाँ का डिस्टेंस आपका 600 किलोमीटर होगा। एक कंडीशन है जब हम स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन है जब हम स्पीड को स्लो कर रहे हैं, तो लेकिन डिस्टेंस आपका सेम रह रहा है। अब सेकंड कंडीशन में स्पीड कितना स्लो हो रहा है, भैया स्पीड हम लोग का 200 किलोमीटर पर आवर स्लो कर रहे हैं, पहले x किलोमीटर पर आवर था, अब x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर
मेरा स्पीड हो गया। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा, इसके बाद बेहतर तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब मुझे ये बताओगे, आपको मैंने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में ये बताया हुआ है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप मुझे ये बताओगे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओगे। तो आप बोलोगे भैया टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, ये आप जानते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ आप जानते होगे। तो डिस्टेंस क्या है, 600 बाय एक्स, ये आप कहीं पर लिख लो फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता क्या होता, डिस्टेंस नहीं स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, एक ही बात है, स्पीड बराबर फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन टाइम निकालना है ना, टाइम का फॉर्मूला लिखना है। भैया जी आप जो है कभी टाइम कभी डिस्टेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, हाँ ध्यान कहीं भटका हुआ है क्या आपका? अरे नहीं नहीं ध्यान कहाँ भटकेगा, बस आपको पढ़ाने पर ध्यान मेरा पूरा है। यहाँ देखो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड कर दे टाइम निकल गया। अगेन यहाँ पर भी टाइम सेम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके निकालेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा 600 बाय एक्स माइनस 200 किलोमीटर हम लोग का टाइम निकल गया। बस यही क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि पहले कंडीशन से ज्यादा समय लग रहा है, कितना समय ज्यादा लग रहा है, मतलब 30 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। अब सोचो, खुद आप सोचोगे जो ये था, समझिएगा, अगर ये आपका 60 मिनट में ये दूरी तय कर रहा होता, एक कल्पना करना है, तो 60 मिनट से ज्यादा 30 मिनट और ज्यादा समय जो है इस सेकेंड कंडीशन में लग रहा था। यहाँ स्पष्ट कहा गया है पहले कंडीशन में एंड सेकेंड कंडीशन में, दोनों में जो है आपका सेकेंड कंडीशन में इंक्रीज बाय 30 मिनट, टाइम जो है वो 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। अर्थात मान लो अगर पहले 60 मिनट में जो है वो अपने निश्चित जगह पर पहुंच जाती थी, तो सेकेंड कंडीशन में वो 30 मिनट ज्यादा 90 मिनट का समय लेगी। अब सोचो दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 30 मिनट के बराबर होगा ना, इस 90 को 60 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर 90 मिनट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 600 बटे एक्स माइनस 200 दिया हुआ है। 90 की जगह हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 600 बटे एक्स माइनस 200, और यहाँ पर टाइम 60 मिनट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर टाइम है 600 बाय एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, जब दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेरा 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। बस यही प्यारा सा इक्वेशन हम लोग के सामने है। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछो ना, क्या ही समस्या है। एक चीज और करोगे, यहाँ पर 600 किलोमीटर है और ये मेरा किलोमीटर घंटा में है और ये मेरा मिनट में है, कोशिश करना है इस मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लें, बिकॉज सब जगह घंटे की बात हो रही है। देख रहे हो 600 किलोमीटर में है, टाइम भी मेरा किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, टाइम भी मेरा आवर में दिया होगा, जब इसमें से डिवाइड करेंगे बचेगा आवर ही ना, बचेगा आवर ही ना, मतलब टाइम भी यहाँ पर आवर में है लेकिन यहाँ टाइम मेरा मिनट में दिया हुआ, उस मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। बस ये छोटा सा काम करना है, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। यहाँ जैसे ही हम 60 से डिवाइड करेंगे ये आवर में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, इसको मिटा करके ध्यान से समझो, ठीक है, इसको मिटाओ। यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, पहले कंडीशन में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम किस प्रकार निकाले, सेकेंड कंडीशन में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम किस प्रकार निकाले, ये सब चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये बोला गया है कि सेकेंड कंडीशन में 30 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। ठीक है, कितना समय ज्यादा ले रहा है, 30 मिनट, यही पर लिख देंगे 30 मिनट बराबर क्या होता है, इसको घंटे में चेंज कर देंगे तो 30/60 आवर, मतलब 1/2 घंटा ज्यादा हो गया ना, 1/2 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे, जैसे ही इसके टाइम में इसके टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 1/2 आवर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से। तो जरूर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे और अपना आराम से बनाएंगे। तो इसके टाइम को और इसके टाइम को सब्ट्रैक्ट करो, 600 बाय एक्स माइनस 200 माइनस 600 बाय एक्स इक्वल टू करेंगे तो हम लोग का 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, भैया सॉल्व हम करेंगे आराम से, x माइनस 200 और x दोनों का हम लोग एलसीएम लेने वाले। भैया सुनिए ना, इसका एलसीएम हम लेंगे, आप का लीजिएगा, आराम से हम इसका एलसीएम देंगे, क्या ही एलसीएम हो जाएगा, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको समझिए। एक काम कीजिएगा, दोनों से 600 कॉमन ले लेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा आपको। हाँ जी, 600 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा। एक काम करते हैं, 600 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 600 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1/x-200, यहाँ बचेगा आपका 1/x। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व करो तब कुछ सोचेंगे किधर किसको ले जाना है।
पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 200 इंटू एक्स आपका एलसीएम हो गया। अब x माइनस 200 से इसमें डिवाइड करेंगे, सिर्फ x बचेगा और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ x हो गया। अगर भिन्न के घटाव में फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना है। यहाँ x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x खत्म बच गया ये x माइनस 200। x माइनस 200 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वही x माइनस 200 ही होने वाला। इसमें तो कहीं कोई समस्या ना है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, काम बन जाएगा। भैया ये तो अच्छा लगा हमें। अगेन यहाँ देखो 600 बाय इसको सॉल्व करेंगे x माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब अपने ध्यान को बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर एकाग्र करोगे और कैलकुलेशन में कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाला, इस बात को समझ के चलना। बस यहाँ ध्यान आपको एकाग्र करना है भैया, बस ध्यान ही एकाग्र करना है ना। जरूर करेंगे, इसमें कौन सी समस्या है देखो। यहाँ पर अब ये x से ये x कैंसल आउट हो गया, यहाँ सिर्फ 200 बचा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कहाँ करें वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, हमको सिर्फ ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल टाइम बताना है, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है फ्लाइट का वो बताना है। जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से, यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके भैया, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले। यहाँ पर क्या है, 600 बचा। हाँ जी 600 बचा, फिर यहाँ पर आपका 200 बचा है, गुना 200 बटे यहाँ x माइनस 200 इंटू एक्स बचा है, यहाँ x है इंटू, ठीक है, x माइनस 200 इंटू एक्स इक्वल टू 1/2। आराम से इसको सॉल्व करेंगे और काम खत्म। तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यही टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है, इंटू एक्स, एड 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 200। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछना है आपको, यहाँ तक में कहीं भी कोई भी समस्या है तो पूछो भैया, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो तुरंत बोलोगे भैया ना ही पूछना है, हमको समझ में सब आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया माइनस 200x, और यहाँ पर सब का मल्टीप्लाई करके बराबर किस तरफ लेते आएंगे, तो प्लस में है बराबर किस तरफ के माइनस हो गया, सब का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा जी। अभी 0 0 छोड़ो, 2 × 6 करो 12 हो गया, 12 × 2 करो 24 हो गया, 0 कितना है 2 × 2 = 4 0, यहाँ पर 4 0 लगा दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब आराम से ये मेरा इक्वेशन आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ से खुद सॉल्व करोगे और x का वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको खुद सॉल्व करोगे और x का वैल्यू निकालोगे, जल्दी निकालो, इसको सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। हम बताएं आगे, जल्दी बोले आगे बताएंगे, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो आप कि हम सॉल्व करें, भैया आप ही सॉल्व करते हैं ना, सही रहता, अच्छा हम ही सॉल्व करें, ठीक है सॉल्व हम ही कर देते हैं। एक काम करते हैं सॉल्व हम करें, कहाँ सॉल्व कर दें, किसको मिटा दें, किसको मिटा दें, इसी को फिर से मिटा दें क्या, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन निकल ही गया हम लोग का ना। यहां से देख लो ध्यानपूर्वक, इसके बाद मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है इसको मिटा देते हैं, ओके मिटा देते हैं इसको, तो यहाँ मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग का इक्वेशन निकालने के लिए। किस प्रकार ये निकाले इक्वेशन, इसको समझ में रखना, हाँ कैसे कैसे किए हैं इसके बाद हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इसको मिटा रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे आपको बेहतर तरीके सब कुछ समझ में आएगा। इस इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे हियर a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 200 हो गया, एंड c इक्वल टू क्या हो गया माइनस 24 1 2 3 4, ठीक है। आराम से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल d का वैल्यू निकालेंगे ना, d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस 200 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान माइनस 24 4 × 0। ओ भैया जितना सॉल्यूशन हो रहा है 2 × 4 1 2 3 4 40000 हो गया। हाँ जी यहाँ देखो 4 का माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 24 = 16, अच्छा 1 × 4 = 8 = 9 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 लगा दिए, बहुत अच्छे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 कितना है 96 × 4 = 100 हो गया, 2 × 2 = 4 0 लगा दिए 1,000,000 रुपया, अरे 0 0 ही दिख रहा हमें, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग अब विचार करने वाले कि 10 पर कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6 6 है, आराम से देख लेते हैं क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है आगे बढ़े बढ़ते हैं आगे। तो समझिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले, x का वैल्यू निकाल, नाउ x इक्वल टू सीधा लिखो ना, उतना नहीं लिखते, अगेन x इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला लिखिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, माइनस बी, बी का मान कितना है भैया जी यहाँ पर 200 है बीच का मान है बी का मान, अच्छा जी प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या है, इतना सारा वैल्यू दे दिया गया है 6 0 है 3 3 6 0 3
3, 6, 0 जानते हो रूट कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर अगर 100 रहता है, अगर 2 जीरो तो उसके बदले में 1 जीरो बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे रूट अंडर आप खुद बताओगे इसका रूट क्या होगा, तो बोलिएगा भाई आप जीरो काउंट करते हैं, कितना जीरो, 2, 2, 4 जीरो, मतलब 4 जीरो, इसका आधा जीरो बाहर निकाल देना, 1 पर 2 जीरो बाहर, मतलब इसका 100 निकल जाएगा। ऐसे करना होता है, हाँ ऐसे करना होता है। अगर मान लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है, तो हर एक 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, और बंद करा देंगे, मतलब इसका रूट जो है 1000 हो जाएगा। जैसे 100 बताया था ना, यहाँ पर 2 जीरो था, 1 जीरो बाहर निकाले और 1 लगा दिए। सिंपल सा तरीका है, आपको समझना चाहिए इसको सॉल्व करना। यहाँ पर इसे वही तरीका हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, हर एक 2 अंक के बदले में 1 अंक बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार अगर 1 पर 0, 0, 0 रहेगा, हर एक 2 जीरो के बदले में 1 जीरो लगाएंगे 1 के साथ, ओके, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं बस आसानी से समझ में आया, इसलिए मैंने ऐसा कहा, बाकी आप समझदार हो। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, हाँ भैया। अगेन यहाँ पर देखते हैं, पहले 1 लिख लिए, अब देखते हैं 0 कितना है, एक बार पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब हमको 3 जीरो लगाना होगा, तो यहाँ 3 जीरो लगा दिए, बटे 2, यही मेरा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाने वाला। अब बताओ x का वैल्यू कहाँ निकाल दे, तो भैया x का वैल्यू यही निकाल दीजिए ना, हमें बस x के वैल्यू से मतलब है, ठीक है। चलिए x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप खुद निकालो x का मान, x का मान नहीं निकालोगे क्या निकालोगे आप, हाँ जल्दी x का मान निकालो। यहाँ से बोलोगे therefore x equal to 200 जोड़ेंगे, 200 और 1000 को जोड़ दिए, तो मेरा कितना हो गया 1200/2 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू 600 निकल गया, 600 x का मान निकल गया। अगेन फिर से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 200 में 1000 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा -800 हो जाएगा, बाय 2 यहाँ पर -400 हो गया। और x मेरा क्या है, स्पीड है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि स्पीड नेवर भी निगेटिव, यहाँ लिख देंगे, चूंकि स्पीड नेवर बी निगेटिव, ठीक है, इसलिए इसको लेना नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको लेने वाले। सो हमको बताना क्या था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आवर हो गया, हाँ भैया कहाँ ये है ओरिजिनल ड्यूरेशन, 600/x, सॉरी कितना है 600/x आवर, यहाँ 600 पहले से था, एक्स का मान कितना निकला 6 निकला, 600 निकला, कट करके मेरा 1 आवर निकल गया। नीचे दिख रहा है आपका, हाँ दिख रहा है, पैसे कैसे बनाए समझ में आ गया, बहुत आसान ही क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इस प्रकार सॉल्व किए, क्या क्या किए, आपको हर एक बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। इसको दो बार, इसको एक बार करो, एक बार एक काम करो, इसको खुद से एक बार खुद से बनाओ, तो यहीं पे आप इसको एक बार खुद से बनाओ बिना देखे, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबके लिए स्पीड डिस्टेंस और टाइम लिखेंगे, फिर सेकंड कंडीशन में स्पीड डिस्टेंस और टाइम लिखेंगे, फिर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड कंडीशन के कारण ये हाफ आवर ज्यादा समय लेता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हाफ आवर के बराबर करेंगे, हम लोग का इक्वेशन निकल जाएगा, इक्वेशन मिटा दिए, ये इक्वेशन निकलेगा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आराम से मेरा x का मान 600 निकल गया और -400 निकल गया, और इसको हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और कोशिश करना है, और क्या आप मैक्सिमम ये देखोगे जितना भी हम लोग सवाल बनाने वाले ना, उसमें मैक्सिमम टाइम आपका नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेने वाले, क्योंकि एरिया में नेगेटिव नहीं लेंगे, ऐसा ऐसा लैंग्वेज ही रहेगा जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं लेना होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे और हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से बनाएंगे, बस यही 2 क्वेश्चन है आपका जो आज थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन होने वाला, फिर सब आसान क्वेश्चन होने वाला, सब आसान क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो आप भैया, ये क्वेश्चन तो वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेहतर क्वेश्चन है, पहले आप इसके आगे बढ़ने से पहले, भैया बोल दिया है इसको एक बार खुद से बनाना है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने वाले, तो जितना ही करेंगे उसको बेहतर तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर चाहते हो मैथ को एकदम अपना सबसे बेहतर सब्जेक्ट बनाना, तो आपको मेहनत करना ही होगा, हाँ जी यहाँ मेहनत करोगे समझ में सब कुछ आने वाला, आपको उतने क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, अगर जितना मैं कह रहा हूँ करने के लिए उतना करोगे, तो मैंने कहा इसको एक बार खुद से बनाओ, तो एक बार खुद से बनाओगे, भले ही 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा क्यों ना लगे, एक बार खुद से बनाओगे, जरूर एक बार खुद से बनाओगे, और बनेगा खुद से, सब कुछ समझ में आएगा खुद से, समझना मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इस तरह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ ही जाए फटाफट से, कहीं कोई प्रॉब्लम ना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले, हाँ भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, कुछ नहीं कहना चाह रहे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप क्वेश्चन को लिखोगे पहले, और क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे पहले, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझोगे पहले, क्वेश्चन समझने के बाद ये देखोगे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है भैया,
जी सब कुछ आप ही हमें हमको ही क्लियर करने के लिए आप क्या कीजिएगा। अरे हम का ही करेंगे, हम का चुना करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लिख लिए हो क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन को समझ लो पहले, क्वेश्चन समझने के बाद ये देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। हो गया होगा सारा काम? बिल्कुल भैया हो गया। यहाँ देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको ये समझ में आना चाहिए क्या इसमें कंडीशन दिया हुआ है। अगर कंडीशन दिया हुआ है तो हम दोनों कंडीशन को अलग अलग करेंगे और बनाएंगे। देखना मैं क्या कैसे समझाने का प्रयास करता हूँ वो समझो। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देखो यहाँ आ गया कंडीशन। पहला कंडीशन था अपने यूनिफॉर्म स्पीड में कोई ट्रेन चल रही थी, फिर यहाँ इफ का कंडीशन आ गया, मतलब यदि ट्रेन चलती 8 किलोमीटर पर आवर घंटा स्पीड जो है उसका कम रहता। आ गया ना यहाँ पर दो कंडीशन। जैसे ही कंडीशन का सवाल आएगा वैसे आपको अपने मन में रखना, हाँ कंडीशन का सवाल आ गया है, हमको इसको दो कंडीशन में बनाना है। पहला कंडीशन में क्या रखना है, अगर स्पीड मेरा यूनिफॉर्म रहेगा। सेकंड कंडीशन में क्या रखना है, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है उस कंडीशन में क्या ही स्पीड है, क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम है, ये सब पता करना है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, बस हमको माइंड में चल गया पता कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे फोर ट्रेन बना ही दे, क्या बना ही देते हैं। देखो ध्यानपूर्वक समझोगे तो बहुत आसान है। फोर ट्रेन, ट्रेन के लिए हम लोग देखने वाले, ट्रेन के लिए क्या देखने वाले कि पहला कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया वो देखने वाले, फोर ट्रेन फर्स्ट कंडीशन। यदि फर्स्ट कंडीशन व्हेन इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इसके अगर ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हो, इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन था। अगर पहले कंडीशन के अनुसार आपको ये पता करना है कि स्पीड क्या दिया हुआ, फिर डिस्टेंस क्या दिया हुआ और टाइम क्या दिया हुआ। पहले कंडीशन में ये पहले हम पता करेंगे, क्वेश्चन को 5 बार 6 बार और हम लोग पढ़ने वाले, परेशान मत हो। फिर सेकेंड कंडीशन देखते, अगर इसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर मेरा लेस होता, स्पीड हैड, हाँ ठीक है। यहाँ देखो अगेन सेकेंड कंडीशन देखने वाले, सेकेंड कंडीशन क्या था, जब इसका स्पीड जो है when the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन था, ध्यान से समझना। सेकेंड कंडीशन है मेरा स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है, ये देखना है। जानते हो मेरे तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि इसको बहुत आसान तरीके से बताएं, ठीक है। बस आप जो है अब यहाँ से बस 5 मिनट इस क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से लगा दो, उसके बाद हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन ही इस लेक्चर में लेने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लेंगे जो आपके समझ के परे होगा, सिर्फ आसान ही क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको बेहतर तरीके से देखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आसान होने वाला। यहाँ देखोगे आप तुरंत बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और हमको समझाइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप तो लिख दिए यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम निकालना है, सेकंड कंडीशन में अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा होगा उस कंडीशन में स्पीड डिस्टेंस और टाइम निकालना है, लेकिन निकालेंगे क्या ये बताइए हमको। यहाँ देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में अगर हम लोग कोई ट्रेन ट्रेवल कर रहा है तो। अगेन इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन में 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड कर लेते हैं उस कंडीशन में, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो सेकेंड कंडीशन में जो है 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, हमको स्पीड नहीं पता है, ओरिजिनल में हमको स्पीड नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं स्पीड को, लेट स्पीड, सेम पिछला सवाल है, मैंने बताया ना मेथड सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग कर दिया गया। वहां पर आपका एरोप्लेन था यहाँ पर आपका ट्रेन है, बस यही दोनों में अंतर हो रहा। यहाँ देखो यहाँ पर स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला गया 8 किलोमीटर पर आवर जो है लेस हो रहा है स्पीड, तो एक्स में जो है 8 किलोमीटर घटा देंगे, इतना किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा, हाँ डिस्टेंस तो मेरा सेम है 480 किलोमीटर। सेम पिछला सवाल दिख रहा आपको, सेम जो हम लोग इससे पहले बनाए थे, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लैंग्वेज का फिर बदल कर दिया गया है। अगर पहला क्वेश्चन आप बनाए हो अच्छे से, मैंने जो बोला था एक बार खुद से बनाओगे, अगर एक बार खुद से अच्छे तरीके से बनाए होगे अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है आप अपने मन से बना सकते हो तो बनाओ, पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं उसके बाद मैं कहूंगा खुद से बनाने के लिए, खुद से बनाओगे। देखो टाइम क्या होगा, टाइम हम लोग जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो तुरंत आप बोलोगे भैया टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस
बाय स्पीड। हम लोग टाइम का ये फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 दिया हुआ है, 480 बाय स्पीड कितना x है, इतना आवर हो गया। आवर कहां से हुआ, यहां आवर दिख रहा है, जैसे डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करेंगे किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ आवर बचेगा। आपके समझ के लिए मैंने बता दिया। अगेन यहां देखो, सेकंड कंडीशन में सिर्फ वही हमको करना है, क्या भाई, सेम वही चीज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात डिस्टेंस कितना है 480 बाय x माइनस 8 आवर हो गया। दोनों निकालने के बाद यहां हमको दिया हुआ है देन इट वुड हैव देन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने में सेकंड कंडीशन में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर यहां पर मान लो इस डिस्टेंस को ये 5 घंटे में कवर कर रहा होता है, यहां पर 3 घंटे ज्यादा लग जाता, 8 घंटा लग जाता। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 3 होगा ना, हां। अब यहां 8 की जगह पे हमको लिखना होगा ये 480 बाय x माइनस 8, अगेन 5 की जगह लिखना होगा ये 480 बाय एक्स। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है 8 और 5, सिर्फ समझो। इक्वल टू 3 आवर्स करेंगे, इस बार यहां पर भी आवर्स है, यहां पर भी आवर्स है और यहां पर भी आवर्स है, तो हम लोग सेम रखेंगे। सब जगह समय मेरा एक पैमाने पर नापना चाहिए, अगर सेकंड में सब जगह सेकंड ही होना चाहिए, अगर मिनट में सब जगह मिनट ही होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपको। बस ये इक्वेशन तैयार हुआ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार अगर खुद से प्रयास करोगे, बिल्कुल वही करना है, 480 को कॉमन ले लेंगे और अंदर को पहले सॉल्व कर लेंगे। अंदर सॉल्व करने का 480 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म में एक इक्वेशन आएगा जो कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के तहत आराम 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 से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत आसान है ये। समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा, कंडीशन वाला क्वेश्चन, बहुत सारा अभी क्वेश्चन भरा पड़ा है कंडीशन वाला, सेम कंडीशन वाले में 2 कंडीशन लिखने वाले, दोनों कंडीशन को हम लोग कंपेयर करने वाले, कंपेयर करके इक्वेशन तैयार करेंगे, इक्वेशन तैयार करके सॉल्व कर लेंगे। एकदम सिंपल सा मेथड, सब में ऐसा ही अप्लाई करना है आपको, सिर्फ यहां पर लैंग्वेज चेंज, यहां है ना वैन के बाद, यहां पर आपका सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा, यहां पर सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज होगा, ये लैंग्वेज आपका क्वेश्चन के अनुसार चेंज होने वाला, इसको समझना, बाकी सब मेथड में सेम रहेगा। ऐसा मेथड ही हम लोग लेंगे ना जो सारे क्वेश्चन में एक जैसा लगेगा, सारा लैंग्वेज सेम रहेगा, सिर्फ आपको अपना दिमाग उस क्वेश्चन को समझने पे लगाना है और लैंग्वेज लिखने पे नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने इस तरह बताया आपको कि लैंग्वेज आप अपने तरीके से लिख सकते हो, अपना इस्तेमाल कर सकते हो, अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे हमको इस तरह लिखना था, खुद लिखोगे ठीक, लेकिन हाँ तरीका सीख जाओगे आप बेहतर तरीके से। देखो यहाँ पर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा समझिएगा, इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इक्वल टू 3 हो गया। यहां से 480 को कॉमन लेंगे तो मेरा 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिख रहा है x माइनस 8 इंटू x, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसमें डिवाइड किया तो x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x हो गया, माइनस इससे इसमें डिवाइड किया तो x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ x माइनस 8 हो गया। एकदम बहुत प्यारा सा मेरा ये इक्वेशन आ चुका है, और आराम से यहाँ x और x आपस में सेम, पिछला सवाल है, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सब कुछ अच्छे तरीके से देखते चलो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कहीं कोई समस्या ना होने वाला इसमें। भैया जी समस्या से तो भरा पड़ा है ये। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 480 मल्टीप्लाई 8 बाय x माइनस 8 इंटू x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या ही करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले, ठीक है भैया जी क्या ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ समझ में ना आवे, ठीक देखते हैं, देखते हैं समझ में कैसे आपको ना आवत है। यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, अर्थात 3 इंटू x माइनस 8 इंटू x, ठीक है ये मल्टीप्लाई कर दिए और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 480 मल्टीप्लाई 8। अब सबको सॉल्व करेंगे और हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। एक काम करें, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 को उधर भेज देते हैं और डिवाइड ही कर देते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर x माइनस 8 इंटू x बचा इक्वल टू 3 को डिवाइड कर दिया, 480 मल्टीप्लाई 8 बाय 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 160 हो गया। कुछ तो आसान हुआ, हाँ क्यों हम 3 को ढोएंगे चुटमुट का, जब वहाँ पर मेरा मल्टी मतलब वहाँ पर सॉल्यूशन हो ही रहा है तो सीधा सिंप्लीफाई कर दिए। अगेन यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8x इक्वल टू, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड लेते आते हैं, लेफ्ट साइड लेके हम क्या ही करेंगे यहाँ देखो आराम से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्व होगा। इसको यहाँ पर किस मेथड से सॉल्व करने वाले इसको हम बताएं या छोड़ दें, यहाँ पर इसको सिंपल सा आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करोगे और बनाओगे, यहाँ से खुद से बनाओगे। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, हम कैसे मिलाते हैं वो समझोगे, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लिए होगे, अब मिलाओगे आप, ठीक। ये देखो अगर ये मन में होल्ड लगा चलोगे ना, हमको सिर्फ क्लास कंप्लीट कर लेना है, भैया को कंप्लीट करके दिखा देना है, वो नहीं होगा, आपको अपने नज़र में ऊपर होना पड़ेगा। मेरे नज़र में ऐसे भी आप ऊपर हो जाओगे, अगर खुद की नज़र में आप
मतलब आप अच्छा सीख रहे हो तो ऐसा नहीं भैया बना लिए भैया को दिखा दिया हाँ मेरा क्लास कंप्लीट हो गया बस उससे क्या होगा कुछ नहीं होगा आपको खुद मेहनत करना होगा इस लेवल का मेहनत करना होगा इस जगह पर कोई और क्वेश्चन भी किसी और लैंग्वेज के साथ भी आए तो आप बना सकते हो अगर ट्रेन की जगह कार दे देगा तो आप उसको ही बना सकते हो सिर्फ यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करना है यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करना है बस और कुछ नहीं बाकी सब कुछ से मिलेगा ये तभी पॉसिबल है जब इसको आप अपने मन से बना रहे होगे ठीक है इसको भी आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक बार फिर से अपने मन से बनाओगे ठीक है देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे वो समझने का प्रयास करो यहाँ पर लिखेंगे हियर ए का मान क्या है 1 है बी का मान क्या है -8 है और सी का मान क्या है -1280 है ये लिख लिए अब हम लोग जो है सीधा सा डी का वैल्यू निकालने वाले नाउ डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac होता है बी का मान -8 है -8 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 है और सी का मान -1280 है ठीक है इसको सॉल्व ही कर देते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और क्या ही करेंगे 4 ना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 5 यहां मेरा निकल गया 4 8 1 5 इसका रूट निकलेगा सब कुछ सही है ना बी स्क्वायर -4ac 4 ए का मान 1 सी का मान ये 3 11 1 4 5 ठीक अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ देखो यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या कि नहीं चमक रहा देखते हैं यहाँ लिखते हैं चमक रहा होगा तो बोलना है आपको ठीक है कहीं कोई समस्या ना है अगेन देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है सिंपल तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया हम जानते हैं एक्स का वैल्यू क्या होता है एक्स का वैल्यू -b -√100/d है डी बाई 2a हो गया बी का मान क्या है भैया बी का मान -8 है यहाँ पर पुट करेंगे भैया -8 पुट कर लिए हम लोग अगेन डी का मान क्या है 84 निकल गया हाँ जी अगेन ए का मान क्या है ए का मान मेरा 1 हो गया ए का मान 1 हो गया अब क्या किया जाए सिंपल से 81/84 का रूट निकालने वाले हम इसका प्राइम फैक्टर करके इसका रूट निकालने का प्रयास करते हैं देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता ठीक है सिर्फ गलती ना हो आप इस पर ध्यान दोगे ठीक आपको ये देखना है कहीं गलती ना हो ला 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 इसका निकल जाएगा भैया जी ये तो हमका नावत है कैसे कैसे आप कर रहे हैं नावत है तो हम सिखाए अब ना देखिए यहाँ पर सबका जोड़ा बन रहा है मतलब इसका रूट निकलेगा इसका रूट निकलने वाला है जरूर और हमारे लिए आसान हो गया कितना जोड़ा 1 2 3 तीन जोड़ा 2 का है और 2 जोड़ा 3 का है ठीक है पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा यही बना देते हैं तीसरा जोड़ा 1 2 3 जोड़ा हो गया 2 का और 3 जोड़ा और 2 जोड़ा है 3 का पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा हाँ जी जोड़ा सबका बन गया हाँ भैया जोड़ा बनाने में तो आप माहिर लग रहे हैं अगर यहाँ देखो 8 ± यहाँ से सबसे हर एक जोड़ा से एक बार 2 लिखने का प्रयास करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ठीक है आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे इसको एक काम करते हैं नीचे 2 कॉमन लेके 2 कटा देते हैं ऊपर से 2 कॉमन ले लो यहाँ बचा 4 ± यहाँ बचा सिर्फ 1 2 बाहर निकल गया बच गया 2 3 4 4 3 12 12 3 36 ठीक है अगेन 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 बटे 2 ये 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर 4 ± 36 हो गया हमको ओरिजिनल स्पीड बताना था हमको एक्स का वैल्यू निकालना था एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या ही समस्या है बहुत आसानी से बनेगा तो यहाँ लिखना होगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है ठीक है एक बार माइनस एक बार प्लस लेना है दोनों से वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर 40 निकल गया यहाँ पर आपका -32 निकल जाएगा ठीक है ये आपका नहीं होगा हाँ जी तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड हाँ जी स्पीड नेवर निगेटिव स्पीड नेवर निगेटिव बस इतना लिख के छोड़ देना है स्पीड नेवर निगेटिव अच्छे से लिखना आप अगेन यहाँ ध्यान दोगे यहाँ सीधा लिखना हैंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालना है ना हाँ स्पीड निकालना है हैंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स का वैल्यू कितना है भैया जी एक्स का वैल्यू मेरा 40 किलोमीटर पर आवर निकल गया जानते हो अब हम लोग जितना सीखना था हम लोग को सब सीख चुके हैं सिर्फ हम लोग को अब क्वेश्चन करना है इस पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन होगा लैंग्वेज बेसिक मतलब लैंग्वेज पर बेस
क्वेश्चन होने वाला अब लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन होगा, तो जब तक आप क्वेश्चन से डरते रहोगे ये क्वेश्चन आपको डराते रहेगा। आपको डरना नहीं है, आपको डट करके मुकाबला करना है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकल चुका है, एक बार फिर से इसको जो मैंने बनाया है ना, इसको एक बार खुद से बनाओगे, मेरा बात मानो, एक बार खुद से बनाओ, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है एक दो क्वेश्चन हम एक और ले लेंगे, लेकिन हाँ एक बार अगर खुद से बना लोगे ना बिना देखे, यहां से पढ़ लियो एक बार अच्छे तरीके से देख लो यहां शुरू से लेकर अंत तक, फिर एक बार खुद से बनाओ, भैया का बात मानना है, मैं जरूर चेक करूंगा इस बात को कि आप बनाए हो खुद से कि नहीं बनाए हो, ये मैं जरूर चेक करने वाला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले, हल्का फुल्का क्वेश्चन, अभी समय है हम लोग के पास इन सारे, एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं आज, इसको ही लास्ट रहने देते, इसी में हम लोग का ज्यादा समय लग गया इन दो क्वेश्चनों में, लेकिन मेरा इच्छा कर रहा है दो क्वेश्चन इसके अलावा और बताने का, तो पहले इन क्वेश्चन को देख लो, तो अंत में मैं आपसे पूछूंगा हाँ और पढ़ना है तो आप बताओगे भैया हाँ आप मुझको और पढ़ा दीजिए तो और पढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ समझोगे आप, जानोगे आप, ला 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 ला, इस टाइप का क्वेश्चन जितना मिलेगा बनाना चाहिए, सुन लिया। जहां पे कंडीशन दिखेगा दो कंडीशन बनाओगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम लिखोगे, फिर सेकंड कंडीशन का स्पीड डिस्टेंस टाइम लिखोगे, फिर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उस आधार पर आप बना डालोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा तो अच्छे तरीके से बनाओगे, ठीक है। ऐसा आपको ढेर सारा क्वेश्चन हम दिखा सकते, लेकिन एक बार आप सीख चुके हो अगले बार बताएंगे तो समय कम लगेगा, ओके। अब यहाँ पर इसको एक बार, जब दोनों क्वेश्चन को एक एक बार खुद से बनाना है, हो सकता है हम एग्जाम भी ले लें आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, जो इम्पोर्टेंट है उसका एग्जाम लेने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ इसको देखोगे, इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है, फिर आपको सॉल्व ही देना है, 1/x+4। आप सोच रहे होगे भैया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन तो राहत का सांस लेंगे, एकदम हल्का फुल्का पढ़ते निकलेंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। क्या भैया तीसरा चौथा लेक्चर में यहाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आ गए जो हमका सर घुमाने लगा? अरे नहीं, ऐसा ना ही सोचते, ठीक है, ऐसा ना ही सोचते हम लोग। यहाँ देखो, x+4 से डिवाइड किए तो x-7, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ x-7 हो गया, ठीक है, फिर माइनस का सिंबल, फिर x-7 से डिवाइड किए x+4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x+4 हो गया। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ऊपर सॉल्व किए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या ही होगा, तो सिंपल सा सॉल्व करो ना, x-7 माइनस का सिंबल करेंगे तो -x -+-4, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक्स और एक्स नानी घर चल जाएगा, ठीक है, नानी घर चले गया। यहाँ बचा आपका -4 और -7, ये -11 हो गया और x+4 × x-7। भैया जी ये बातें तो समझ में आ रही है हमें। आगे देखो, 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा है, यही कैंसिल आउट कर दें या फिर उधर ले जाके कैंसिल आउट करें? भैया एक काम कीजिए ना, सुनिए, काम करते हैं आप करने के लिए यहीं पर कैंसिल आउट कर दीजिए, लेकिन आप समझोगे कि नहीं समझोगे यही समस्या है। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 11 × x+4 × x-7 = 30 के साथ तो -30। अच्छा, देखो 30 × -11, ओके, कहीं कोई समस्या ना ही, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब 11 को ले जाओ और मल्टीप्लाई करो, ठीक। अगर यहीं पर मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्टेप दो स्टेप कम करना होगा आपको, लेकिन क्या पता आपको समझ में ना आए, फिर आप बोलोगे भैया कैसे कर दिए, फिर हम परेशान, आप भी परेशान। यहाँ देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इस दोनों टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप शायद पढ़े होंगे। यहाँ देखो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो x² हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई -7 के साथ तो -7x हो गया, 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो +4x हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 28 हो गया। बस इतना सा ही काम करते, अगेन यहाँ पर -30 हो गया। भैया हाँ भैया सुनिए ना, सुनाइए ना, यहाँ पर जो है आपका -3x हुआ, -28, इसको इधर ले जाएंगे +30 = 0, यहाँ से x²-3x+2 = 0। अगर आप चाहोगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन का भी प्रयोग कर सकते हो, देखो 2 है ना, हाँ भैया 2 है, 2x 3 हो गया, -2x - x के रूप में तोड़ देंगे, मेरा आराम से वैल्यू x का निकल जाएगा। जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो, तो हम लोग इसको यहाँ पर फैक्टराइजेशन का प्रयोग करके ही सॉल्व कर लेते हैं। आपकी इच्छा, आपके पास 3 मेथड है जिसका भी इसका प्रयोग कर सकते हो, भले ही फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आंसर का फर्क पड़ जाता, लेकिन दोनों सही है, तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप आराम से बना सकते हो। और एक बात, अगर आपको ये जानना होगा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप आराम से रफ निकालोगे, डी का वैल्यू निकालोगे, अगर डी का मान निकल गया तो इसका वैल्यू निकलेगा। कैसे निकालेंगे डी का मान? सिंपल सा, b²-4ac निकालेंगे, तो 3 × 9 - 4ac = 8, अर्थात 1√√ डी का वैल्यू निकल रहा है, अर्थात इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत बन जाएगा। जैसे आपको बनाने का इच्छा होगा वैसे बनाइएगा, आप इसका फैक्टराइजेशन हो या फिर आप इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर हो उससे बना सकते हो आराम से। देखो हम इसका जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही प्रयोग करके बना देते हैं। यहाँ देखो, हियर दोनों तरीके से बनेगा, यहाँ देखना, हियर a = 1, b = -3,
सी इक्वल टू टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दे तो लिखो यहाँ पे, इसको हटाते हैं हम लोग, ला अब जाइए, अब आप सॉल्व हो गए हो, आपको घर जाना चाहिए, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। हाँ जी, यहाँ देखो और बनाओगे। तो हम ही सॉल्व करें, आप सॉल्व करोगे भैया, सुनिए ना, आप ही सॉल्व कीजिए। अब हमका शक्ति ना बचा कि हम सॉल्व कर पाए, ऐसा ऐसा आप क्वेश्चन करवाते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जो सर के ऊपर से चले जाता है। बताइए ऐसा क्वेश्चन करवाना चाहिए आपको? देखो मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कभी सोच के नहीं करवाऊंगा कि हाँ आपको परेशान करना है, ऐसा कोई मेरा इच्छा नहीं करता। मैं बस इतना चाहता एग्जाम जो होगा आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाए, ठीक है। यहाँ देखो x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट 100 बी बाई 2 है। बी का मान क्या है? बी का मान यहाँ माइनस 3 है, तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस। डी का मान 1 है, ए का मान भी 1 है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 1 बाई 2, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा काम खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। आराम से सॉल्व करें, देखो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2, मेरा निकल गया 4 बाई 2, मेरा 2 निकल गया एक्स का मान। और नेक्स्ट कंडीशन में 3 माइनस 1 बाई 2 अर्थात 2 बाई 2, मेरा 1 निकल गया, ठीक। बस इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछिएगा, मेरे ख्याल से बन गया होगा। हाँ भैया बन गया, यहीं तक आ जाते हैं। और आपको हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि क्विज है, 3 क्वेश्चन बनाओगे, उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन में तीनों सही होगा, 3/3 आप लाने का प्रयास करोगे। ये आपका एक तरह से मिनी एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम है, और इसको छोटा मोटा एग्जाम मतलब छोटे मोटे एग्जाम की तरह नहीं लेना है, अच्छे तरीके से बना करके दिखाओगे आप, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। हाँ जी, आज 3 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आज 2 मेथड बहुत बेहतर मेथड सीखे हैं, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का। ओके, यहाँ देखोगे इसको मिटा रहे हैं, ये भी आप छापे हो या बनाए हो खुद से? हमको तो लग रहा है, हमका तो लग रहा है आप छापे हो, ऐसा गलती नहीं करना है आपको, कोशिश करना है खुद से बनाने का। हाँ भैया, खुद से बनाने का ही प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन बताओगे। ला 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 ला, अगेन पहला क्वेश्चन, क्विज का पहला क्वेश्चन। एक काम करें, आप एग्जाम से मतलब क्वेश्चन बैंक से दे क्या क्वेश्चन? अच्छा छोड़ो ना, यहाँ लिखो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आपको जो है पहला क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन ही मिलेगा। एक काम ही करते हैं, क्या काम करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लिखिए 2x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कीजिएगा। अगर बनाइएगा क्या वैल्यू होगा x का। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको क्या हो गया, ये आज खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बनाना है, वो सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करोगे। तीसरा क्वेश्चन बनाओगे आप सिंपल सा, एक आसान सा आपको घटाव देना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि आप सही में घटाव में कहीं कोई समस्या भी होता क्या आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से समस्या ना होने वाला, बहुत आसान सा दिए हैं, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन बनाओगे और दिखाओगे क्या तीनों में से कुछ गलती भी होता है, ये भैया चेक करने वाले, ठीक है। चलो इतना सा काम करोगे, आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप बेहतर तरीके से पढ़ो और सीखो, ठीक है। ओके।